माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आई अजय कुमार मिश्रा वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई प्रैक्टिकल क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में किस तरह के प्रैक्टिकल्स को करना होता है या आप क्लासरूम में कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे वो सब्स्टिट्यूट करता है, इट मींस कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ हम जब हीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो CuSO4+Fe, उसमें Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और FeSO4 का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर क्या होगा, नीचे सेपरेट होकर के वो सेटल डाउन कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ दे विल रिएक्ट टू ईच अदर एंड परफॉर्म। So my dear students, to do it, first of all, I take a copper sulfate. मैंने क्या लिया? Copper sulfate लिया और copper sulfate को this is sky blue color water में मैंने इसको mix किया। मेरे प्यारे बच्चों, this is the copper sulfate. Now this is the salt. ये copper sulfate क्या है? Salt है बेटा। Now we will stir it. With the help of glass rod, or now you can shake it. ये copper sulfate जो dust के powder form में है, now I will show you. It is in the form of Now, my dear bachcho, I will show you. This is copper sulfate solution. Copper sulfate. It is in crystal form. ये crystal form में है मेरे प्यारे बच्चों। ये copper sulfate क्या है? Solid form में होता है। Now, we have taken a small amount of water. And in the water I have dissolved it. After shaking a few minutes, it will dissolve. तो ये copper sulfate का solution हो गया। Next मेरे प्यारे बच्चों, this is the test tube. इसको हम क्या बोलते हैं? Test tube बोलते हैं। और ये test tube को just we can This is a filter paper, मेरे प्यारे बच्चों, ये फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर को थ्री फोल्ड करते हैं हम लोग और थ्री फोल्ड करके इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा देते हैं। आफ्टर दैट वी यूज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। यूजिंग द टेस्ट ट्यूब होल्डर इसको हम फिक्स कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ इट इज ए स्लैब, आगे पीछे होता है, इसको ऐसे करके इसको कैट के मैंने फिक्स कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर वी हैव फिक्स्ड इट एंड नाउ केमिकल्स आर ऑलरेडी रेडी। दिस इज द आयरन सल्फेट, आयरन, दिस इज द केमिकल्स ऑफ आयरन। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये आयरन है। नाउ यू कैन सी इट आयरन। और आज हमें इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो केमिकल्स आर रेडी, नाउ इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ऑलरेडी रेडी। नाउ आई हैव टेकन अ स्प्रिट लैंप, दिस इज द स्प्रिट लैंप मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, हाउ कैन यू शो द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाउ विल यू शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, वी यूज द स्प्रिट लैंप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइट अप द बर्नर।
बर्नर को आपने जला दिया, बर्नर को मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर वे में हम लोगों ने जला दिया। नाउ टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेते हैं हम लोग। नाउ जस्ट बी मिक्स सम आयरन पार्टिकल्स। नाउ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें मैंने आयरन डाला, इसमें क्या डाला मैंने, आयरन। आप रिएक्शंस लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, CuSO4+FeO, मैंने क्या डाला इसमें, आयरन डाला। आफ्टर दैट जस्ट बी गो थ्रू द हीटिंग प्रोसेस। नाउ यू कैन सी आई एम गोइंग टू हीट द टेस्ट ट्यूब। बेटा टेस्ट ट्यूब हमेशा थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, नाउ टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं सो दैट कि इससे निकलने वाला किसी भी तरह का कोई भी गैसेस जस्ट इट विल कम आउट इन अदर साइड एंड वी कैन सेव। नाउ वी गो थ्रू द हीटिंग प्रोसेस। आप ध्यान से देखते रहे मेरे प्यारे बच्चों, यह स्टार्ट हो चुकी है बॉइलिंग एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इट्स स्काई ब्लू कलर विल बी चेंज इनटू द ब्राउन कलर एंड नाउ इट विल बी फॉर्म द आयरन सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द बॉटम ऑफ द प्लेट एंड इट मीन्स इट शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये गर्म हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नाउ CuSO4 हैज बीन चेंज इनटू FeSO4। आप देख सकते हैं ये CuSO4 किस में चेंज हो गया है, FeSO4 में चेंज हो गया है और Cu जो था कॉपर था इट हैज बीन सेटल डाउन। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इट शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही जो है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है। नाउ यू कैन सी हियर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ऊपर में आपका कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो स्काई ब्लू था इट हैज बीन चेंजिंग टू द रेडिश ब्राउन एंड द कॉपर जस्ट इट हैज बीन सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द पॉट एंड इट शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग इस तरह से करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कैसे होता है, इट मींस किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल क्या करेगा, एसिड के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा, तो व्हेन बी बर्निंग कैंडल जस्ट टेक नियर द गैस वेयर इज वॉल्व इट क्रिएट्स अ पॉप साउंड एंड नाउ इट विल बी बर्न्स स्ट्रॉन्गली और ये बताएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आई विल कम विद द हाउ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड and how metal reacts with acid and it will give the hydrogen gas. Now my dear students, thank you for today's, just I have explained how displacement reaction will occur
तो आपने सामने देखा कि टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन एंड वेन गो टू द हीटिंग, नाउ इट चेंज इनटू द डिफरेंट कलर, नाउ APSO4 एंड कॉपर रेसिटामिन डिपॉजिटेड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट।